फ्रेंड्स, आज फिर एक बार स्वागत करता हूं अपने चैनल अंश कुमार स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, यूपीएल के जो वैकेंसीज आई थी उनके कुछ क्वेश्चंस और बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारा 1 तारीख को एग्ज़ाम है जो कि संडे है और 8:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। तो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि जो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे 15 क्वेश्चन इस वीडियो में और बताने वाला हूं। तो अगर दोस्तों अगर अभी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को शुरू कर देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा अयव है जिसका प्रयोग एक अर्धचालक के रूप में किया जाता है, अर्धचालक मीन्स होता है सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर नंबर सी सही है। सभी में 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि एक आंसर सही होगा। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जर्मेनियम अयव के संयुक्ता वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर डॉट डॉट है, यानी कि जो जर्मेनियम अयव है उसके जो संयुक्ता के नंबर होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का होता है, कितने इलेक्ट्रॉन का नंबर है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा 4 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक अयव का नाम बताइए जो कि एन किस्म के साथ अर्धचालक के निर्माण हेतु एक अशुद्धता के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि कहने का मतलब यह है, एक ऐसा पदार्थ का नाम बताइए जो एन किस्म के अर्धचालक यानी कि एन किस्म के अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर के निर्माण हेतु अशुद्धता के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, गैलियम, गैलियम ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन से, सिलिकॉन अयव की जो अवरोधक होती है संभावित वोल्टेज बैरियल पोटेशियम वोल्टेज है डॉट डॉट है क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। जैसा कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 0.7 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, डायोड में वह करंट जो बिना छत के यानी कि जो बिना किसी की प्रकार की छत के अपने प्रवाह में गुजार सकता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है। जैसे किसी लाइन में अगर करंट प्रवाह हो रही है बिना किसी बाधा के करंट को गुजार दे, वो कौन सा कहलाता है, वह क्या कहलाता है, ये बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, अधिकतम अग्रमहोमी धारा यानी कि सर्च करंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 8वां क्वेश्चन है, डायोड शब्दावली में PIB का विशिष्ट रूप है, डायोड शब्दावली में PVI का विशिष्ट रूप है। इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, पीक इन्वर्स वोल्टेज। ठीक है, हमारा 7वां क्वेश्चन है, रेडियो रिसीवर में किस प्रकार का डायोड प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो हमारा आजकल रेडियो तो बहुत ही कम देखने को मिलता है और रिसीवर तो ऑलरेडी सभी के यहाँ मिलता है जो DTH का रिसीवर होता है, उसमें किस प्रकार का डायोड का प्रयोग किया जाता है ये चीज़ आपको बताना है। इसमें हमारा 7वां में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, स्विचिंग डायोड, जिसे स्विचिंग डायोड कहते हैं, वो इस्तेमाल किया जाता है रेडियो रिसीवर में। ठीक है, वहाँ क्वेश्चन है, पो इलेक्ट्रॉन किस्म की कोडिंग के अनुसार एक डायोड VY127 के रूप में विनिर्दिष्ट है जिसमें अक्षर Y क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है। इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से एक आंसर सही है। ठीक है, इसमें जैसे कि दिया है विद्युत पावर डायोड या दृष्टकारी रेक्टिफायर डायोड या सिग्नल डायोड या जंक्शन डायोड, तो इसमें Y क्या दर्शाता है ये हमें बताना है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, दृष्टकारी रेक्टिफायर डायोड। ठीक है, हमारा 9वां क्वेश्चन है, यदि निविष्ट AC वोल्टेज इनपुट को AC वोल्टेज 30 वोल्ट है तो अर्ध तरंग परिशोधक हाफ वेव रेक्टिफायर की निर्गत DC वोल्टेज होगी डॉट डॉट होगी, DC वोल्टेज होगी कितनी होगी। इसमें भी सेम चारों आंसर में से एक आंसर सही है। ठीक है, इसमें हमारा आंसर नंबर सी सही है, 13.5 वोल्ट। ठीक है, हमारा 10वां क्वेश्चन है, यदि एक 10 ओम का प्रतिरोधक लोड का प्रतिरोधक RL के रूप में 2.16 वोल्ट के निगत DC वोल्टेज एक पूर्ण तरंग प्रतिशोधक फुल वेव रेक्टिफायर में जोड़ा जाता है तो वह लोड करंट LDC का पता लगाएं। इसमें क्या है ये आपको पता लगाना है, LDC कितना होगा ये आपको पता लगाना है। 10वां में भी हमारा क्वेश्चन नंबर सी सही है, LDC यानी कि बराबर 2.17 AMP यानी कि एम्पियर। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, सिकोनस मोटर में प्रयुक्त डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य, सिकोनस मोटर में
जो डैम्पर की वाइंडिंग की जाती है उसका क्या उद्देश्य है? ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो स्टार्ट करना उसी का काम होता है, उद्देश्य यही है कि वो स्टार्ट करने में बहुत ही आसानी करता है। ठीक है, हमारा 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंक्रोनस मोटर का अनुप्रयोग है, यानी कि इसका प्रयोग नहीं है। ठीक है, इसमें भी चार ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, होस्ट। होस्ट हमारा क्या करता है, या अनुप्रयोग है। ठीक है, इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं मोटर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इंडक्शन मोटर की गति की दिशा को मोड़ा जा सकता है, आखिर मोड़ा क्यों जा सकता है? स्टेटर इनपुट के किन्हीं दो लीड कनेक्शनों को बदलकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। इसका कहने का क्या मतलब है, जो स्टेटर होते हैं इनपुट के किन्हीं दो लीड होते हैं, उन दोनों लीडों में से किसी का कनेक्शन को बदल दें तो हमारा ऐसा हो सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति NS व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके अनुक्रमानुपाती होता है? इसमें भी चार ऑप्शन है, स्टार्टर की आवृत्ति, पोल की संख्या, या स्टेटर वाइंडिंग के प्रवाहित धारा के, या लागू वोल्टेज के। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, पोल की संख्या। ठीक है, 15वां क्वेश्चन से, इंडक्शन मोटर के फ्रैक्शनल स्लिप S की गणना करने का सूत्र क्या होता है? ठीक है, इसकी जो सूत्र होता है इंडक्शन मोटर के फ्रैक्शनल स्लिप का, जो S की गणना करते हैं उसका सूत्र क्या होता है? S बराबर NS माइनस N अपंक NS। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि आप अगर रेगुलर क्लास करते हो तो ज़्यादा समझ में आती, तो आप ध्यान दें। 16वां क्वेश्चन से, एक डीसी मोटर सीरीज इलेक्ट्रिकल टेंशन के लिए सबसे उपयुक्त होती है, क्यों होती है, ये चीज़ आपको बताना है। इसमें भी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, क्यों, क्योंकि इसमें शुरुआत के समय जो उच्च बल का विकास होता है, ठीक है, इसीलिए हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। 17वां क्वेश्चन से, डीसी जनरेटर में प्रयोग होने वाले कम 17वां क्वेश्चन से, डीसी जनरेटर में प्रयोग होने वाले कम्यूटेटर का क्या अर्थ है या क्या कार्य है? इसमें एसी का अमरीचूर करंट को डीसी में बदलने के लिए होता है, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, पीवीसी का क्या अर्थ है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, हमारा 19वां क्वेश्चन है, डीसी मशीन का कंड्यूस्ड ईएमएफ किसके समानुपाती होता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से सभी, क्योंकि इसमें केवल फील्ड को फ्लक्स करता है, कितने कंडक्टर है ये भी बताता है, और अमरेचर की गति से भी होता है। ठीक है, तो इसमें से सभी क्वेश्चन सही हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, डीसी मशीन का योक किस चीज़ से बनता है, डीसी मशीन का जो चोक बनता है वो किस मशीन से बनता है ये बताना है। जैसा कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, कॉस्ट आयरन से ये हमारा योक बनाया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर मेरे चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको बताता रहूँगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा चाहता हूँ आप सभी से। ओके, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।